मित्रों प्रणाम, मैं आपका साथी आपका आचार्य आशीष कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ चरण ओम आलोक के कार्यक्रम तंत्र मंत्र वयंत्र में। वह हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत अच्छे उपाय धन प्राप्ति के। जो आपका फंसा हुआ धन है वो आप कैसे प्राप्त करें, जो खोया हुआ है, जो आपने किसी को दिया है वापस नहीं दे रहा है आपको, तो वो आपको कैसे मिले, इसके उपाय हम लेकर आए हैं। तो मित्रों आपको हम बताते हैं क्या है उपाय। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं हर करवद निवेदन करता हूँ कि अपने स्क्रीन पर देखें, इस प्रकार से एक लिखा हुआ लाल रंग से दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये निशान बनकर आएगा, ये है बेल आइकॉन, इस पर भी क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेंगे। मित्रों तो आपको बताते हैं, बहुत अच्छा उपाय है मित्रों। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र को हम पहले भी बता चुके हैं, किस प्रकार का एक छोटा सा पत्थर होता है। आप किसी भी स्टोन सेलर के पास जाएंगे जो जेवर और सोना चांदी वगैरह बेचते हैं, नग बेचते हैं, वो आपको दे देंगे। तो 11 गोमती चक्र लेकर उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जिस व्यक्ति से आपको धन लेना है, जिस व्यक्ति से आपको धन लेना है उसका नाम लेते हुए उन 11 चक्रों पर आप तिलक करें और अपने उस व्यक्ति का नाम जरूर लें साथ में जिससे आपको धन लेना है। उसके बाद उन गोमती चक्रों की आप पूजा करें विधि पूर्वक, जिस प्रकार से पूजा होती है रोली चंदन अक्षत इत्यादि से उनकी पूजा करें। पूजा पूरी होने के बाद उन गोमती चक्रों को आप पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा दें व उस पीपल के पेड़ की जड़ में आप प्रतिदिन पानी दें और अपने कुल देवता से अपने धन की प्राप्ति के लिए निवेदन करें, प्रार्थना करें। आप यकीन मानिए आपको बहुत सरलता से आपका फंसा हुआ धन मिल जाएगा और बाकी आपकी आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। तो इतना सरल उपाय था जो मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा हमें सूचित करिएगा अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरा करवद निवेदन है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वह देखते रहें कार्यक्रम तंत्र मंत्र वयंत्र व कुछ अनसुनिए कई कहानियां। इस सभा के लिए इतना ही मित्रों, अन्य सभाओं में आपसे फिर भेंट करूंगा। तब तक के लिए मातेश्वरी आपका कल्याण करे, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद व प्रणाम।